हेलो दोस्तों दोस्तों आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा एक पेपर था जो कि पेपर हो गया है कंप्लीट। तो दोस्तों अब आप सबके लिए आपका भाई न्यू ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो भी कुछ खास होने वाली है, तो आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन के बराबर में। आज हम इस वीडियो का ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अगर आपको यह वाली वीडियो बनानी है तो आप हमारी वीडियो जरा भी स्केप नहीं करनी, क्योंकि दोस्तों यह वाली वीडियो टिकटॉक पर काफ़ी धमाल मचाने वाली है। अगर आप इस वीडियो को बनाकर अपलोड करते हो तो काफ़ी चांस रहेंगे कि आपकी वीडियो वायरल हो जाए। उम्मीद करूँगा कि आपकी वीडियो प्लीज़ वायरल हो जाए यार दोस्तों, क्योंकि आप भी मेहनत करते हो। दोस्तों मैं भी मेहनत करता हूँ, कंटेंट ढूंढता हूँ, फिर आपके लिए उसको एडिट करके देता हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी वीडियो वायरल हो जाए। दोस्तों चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, बताते हैं आपको कैसे बनाने वाली वीडियो। हाँ तो दोस्तों चलिए अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। दोस्तों मैं काइन मास्टर का प्रो वर्जन यूज करता हूँ। अगर आपको मेरा वाला काइन मास्टर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर मेरा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो काइन मास्टर। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक प्लस का आइकन आएगा, तो आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर 3 एब्सेक्ट रेशियो पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ से बीच वाला रेशियो ले लेना है 9:16 जो मोबाइल की शेप में है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर एक नया इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपके राइट साइड के कॉर्नर पर एक मीडिया का ऑप्शन है, तो सिंपली मीडिया वाले ऑप्शन में चले जाना है, सॉरी बैकग्राउंड में चले जाना है, और यहाँ से एक ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपका बैकग्राउंड नीचे आ जाएगा, तो आप नीचे वाले बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए और इसके येलो वाले पार्ट पर क्लिक कर इसको 10-12 सेकेंड तक बड़ा कर लीजिए। अब सिंपली आपको यहाँ से राइट कर लेना है और दोस्तों स्क्रॉल कर दोबारा स्टार्टिंग में आ जाइए। अब दोस्तों मैंने आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब दोस्तों उस वीडियो को लाने के लिए सिंपली आपको राइट साइड के कॉर्नर पर एक लेयर का ऑप्शन है, तो आपको लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से फर्स्ट में ही चले जाना है मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद दोस्तों वो वीडियो आपकी जहाँ भी हो आप उस वीडियो को वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो लाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, एरो पर क्लिक कर इसको फुल स्क्रीन में कर लीजिए। और ऐसे फुल स्क्रीन आप पर नहीं होती तो आपको क्या करना है, सीजर के बराबर वाले बॉक्स पर क्लिक कीजिए और इस वाइट वाले पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन में हो जाती है। अब आपको यहाँ से राइट कर देना है और दोस्तों स्क्रॉल कर एकदम लास्ट में आ जाना है, जहाँ से आपकी वीडियो ख़त्म होती है वहीं से आपको अपने बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और सीजर में जाना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हट जो सेकेंड वाला है उसको कर देना है, अपने बैकग्राउंड को पहले इरेज कर देना है। अब आपको राइट कर अब दोस्तों आपको दोबारा स्टार्टिंग में चले जाना है एकदम। अब दोस्तों आप थोड़ा सा आगे स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर अपनी वीडियो जो ग्रीन स्क्रीन वाली है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है क्रोमा की का, तो आपको क्रोमा की में जाना है और यहाँ से एक अनेबल का ऑप्शन आएगा तो आप उसको ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए मेरा यहाँ पर पहले से ग्रीन कलर था, अगर यहाँ पर आपका कोई और कलर होता है तो आप ग्रीन कलर चूज कर लीजिए तो आपका ग्रीन स्क्रीन वहाँ से हट जाएगा। अब आपको यहाँ से राइट कर देना है। अगर आपकी लाइटिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो आपको जो ये ऊपर 28 वाला है इसको थोड़ा सा कम कर देना है तो लाइटिंग आपकी ठीक हो जाएगी। तो अब दोस्तों आपको अपना इसके अंदर एक फ़ोटो लगाना है, तो अपना फ़ोटो लाने के लिए भी सिंपली आपको लेयर पर ही क्लिक करना है और मीडिया में चले जाना है फिर से एक बार। दोस्तों मीडिया में जाने के बाद दोस्तों आप जो भी अपना एक फ़ोटो लगाना चाहते हो यहाँ से कोई भी अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका सबसे अच्छा फ़ोटो हो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद तो आपका फ़ोटो कुछ इस प्रकार से आएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार अपने फ़ोटो पर क्लिक कर लेना है और इसके येलो वाले पार्ट पर क्लिक कर इसको एकदम लास्ट तक बड़ा कर देना है फ़ोटो को भी। अब आपको अपने इसी फ़ोटो पर क्लिक कर रखना है और इसको थोड़ा ऐसे करके एरो पर क्लिक कर इसको जूम कर लेना है आपको, तो आपको कुछ इस प्रकार से इसके अंदर एडजस्ट कर लेना है अपने फ़ोटो को। जैसे भी आपका फ़ोटो बड़ा होता है, छोटा कर या बड़ा कर जैसे भी आप एडजस्ट कर सको वैसे एडजस्ट कर लेना है आपको। तो दोस्तों मैंने कुछ ऐसे एडजस्ट कर लिया है अपना। अब आपको क्या करना है, यहाँ एक ऑप्शन आता है लेफ्ट साइड में 3 डॉट का, 3 डॉट में जाना है और यहाँ से सेंड टू बैक कर देना है अपने फ़ोटो को। और अगर आपका फ़ोटो ज़्यादा वैसा रह जाता है तो आप छोटा बड़ा उसको कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा फ़ोटो एकदम लग गया है, तो आपको यहाँ से राइट कर अब वीडियो स्टार्टिंग से प्ले कर देख लेनी है। तो दोस्तों देखिए मेरा वीडियो एकदम बनकर रेडी हो गया है। जब आपका वीडियो पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एक शेयर का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से एक ऑप्शन है फोट का, तो
तो एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है दोस्तों, ये कुछ लोडिंग लेगा, जैसे ही लोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये वीडियो आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द आपको अगली वीडियो में।